हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिमेश, एमएस जनरल सर्जन, आपको अपने यूट्यूब चैनल सर्जरी ऑनलाइन पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सर्कमसिशन के बारे में, यानी खतना के बारे में, जो ज़्यादातर मुस्लिम या ज्यूज में बचपन में ही करा दिया जाता है। इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और भी हेल्थ इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, सर्कमसिशन को हिंदी में खतना कहते हैं। मुस्लिम्स में, ज्यूज में बचपन में ही खतना करा दिया जाता है। खतना या सर्कमसिशन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये एचआईवी या हेपेटाइटिस जैसी बड़ी बीमारियों से हमें बचाता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बचाता है, पेनिस का कैंसर उससे भी हमें बचाता है। लेकिन दोस्तों, अगर किसी मुस्लिम के घर में या ज्यूस के घर में लड़का पैदा होता है और उसके पेशाब का रास्ता नॉर्मल ना होके पहले खुल जाता है, जिस कंडीशन को हम एपिस्पेडियस या हाइपोस्पेडियस कहते हैं, उस कंडीशन में खतना नहीं कराना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। किसी भी बच्चे का पेशाब का रास्ता नॉर्मल जगह से ना होकर पेनिस में कहीं पहले खुल जाता है, इस तरीके से जैसे मैंने फोटो में दिखाया है, कहीं भी हो सकता है वो रास्ता, तो उस कंडीशन में हमें सर्कमसिशन या खतना नहीं कराना चाहिए, क्योंकि ये जो पेशाब का रास्ता पहले खुल गया है, ये बाद में जाके कॉम्प्लिकेशन कर सकता है। इस पेशाब के रास्ते को सही करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो स्किन हम काट देते हैं सर्कमसिशन में, जो स्किन हम निकाल देते हैं खतना में, उसी स्किन का हम प्रयोग करके पेशाब का आगे का रास्ता हम बनाते हैं सर्जरी से। इसलिए अगर आप मुस्लिम हैं और आपके बच्चे के पेशाब का रास्ता पहले खुल रहा है, नॉर्मल जगह से पहले खुल रहा है, तो आप उसका खतना ना कराएं, सर्जन से ज़रूर कंसल्ट करें और उसका इलाज करवाएं। इस हाइपोस्पेडियस या एपिस्पेडियस के कंडीशंस बहुत सीरियस हो जाते हैं आगे चल के, इसलिए इसे सीरियसली लें। तो दोस्तों, ये थे खतना के फ़ायदे और नुकसान। ज़्यादातर दोस्तों फ़ायदे हैं, क्योंकि ये बड़ी बीमारियां जैसे एड्स, एचआईवी, हेपेटाइटिस या एसटीडी यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ या फिर पेनाइल कैंसर जैसी बीमारियों से हमें बचाता है। सर्कमसिशन के साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा नहीं होते हैं। थोड़े बहुत कुछ पेशेंट्स में सूजन हो सकती है, दर्द हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म इसके बेनिफिट्स ही हैं। बहुत लोगों को फिमोसिस की प्रॉब्लम बड़े होकर हो जाती है। फिमोसिस का मतलब होता है जो आगे की स्किन है वो पूरी तरह पीछे रिट्रैक्ट नहीं करती है, वो आगे ही अटक जाती है, और पीछे नहीं जाने की वजह से फिर पेशाब का जो रास्ता है वो पूरी तरह खुल नहीं पाता है, जिसकी वजह से जब इंटरकोर्स होता है तो ब्लीडिंग हो सकती है। इसलिए फिमोसिस या पैराफिमोसिस जैसी कंडीशन जो यहाँ दिखा रखी है, उसका इलाज भी हम सर्कमसिशन से ही करते हैं। बहुत लोग डरते हैं सर्जरी से कोई साइड इफ़ेक्ट तो ना होगा, सर्जरी से कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं होगा, तो घबराने की बात नहीं है। ये बहुत ही सिंपल सर्जरी होती है, 15 से 20 मिनट या मैक्सिमम आधे घंटे में सर्जरी हो जाती है सर्कमसिशन की, और सर्जन या जनरल सर्जन से आप करा सकते हैं। मैं भी एक जनरल सर्जन हूँ, अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। कंसल्टेशन की कोई फीस नहीं है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखा है ऐप का और हमारे वेबसाइट का, आप डाउनलोड करके हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, इसकी कोई भी फीस नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हेल्थ इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।